हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल सीसीडी स्टाइल कॉफी, और वो भी सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। ये काफी ज्यादा टेस्टी बनती है और काफी क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, और मैं इसमें नॉर्मली टू इंग्रेडिएंट्स का यूज करूंगी जो आपके घर में अवेलेबल होंगे ही होंगे। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी भी हो जाती है और ये काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया कॉफी का पाउडर। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 4 टेबलस्पून ऑफ कॉफी पाउडर एंड दी इसके अंदर मैंने डबल क्वांटिटी में इसकी शुगर को ऐड किया है। मीन्स मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉफी का पाउडर लिया है एंड 8 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर यूज किया है। अगर आप और स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना चाहते हो तो इसमें और ज्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए हल्का सा ग्राइंड कर लूंगी, और इसका एक मतलब दरदरा सा पाउडर बन जाएगा हमारा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 से 3 क्यूब्स आइस की। आप इसके अंदर 2 क्यूब्स यूज करना पहले, उसके बाद अगर आपको लगे कि और भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको अब ग्राइंड करूंगी बिल्कुल हल्का सा 1-30 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगी ऑन ऑफ कर दूंगी। मतलब मैं इसको एक साथ तो नहीं ग्राइंड करूंगी, मतलब एक साथ मिक्सी को ऑन नहीं करूंगी, मैं इसको ऑन ऑफ मोड पे इसको अच्छे से ग्राइंड करूंगी। हमारी जो कॉफी का जो हमारा टेक्स्चर है, जो हमारा पाउडर है, जो बना रहे हैं, ज्यादा पतला नहीं होगा। आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर इस टाइप से हो चुका है। अब इसको ऑन ऑफ कर देने को मैं करूंगी। अब इसको एक कंटेनर में इसको निकाल के किसी भी चीज के अंदर अब इसको इस तरीके से फेंटना है हाथ से कम 5 से 10 मिनट के लिए। आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको कॉफी ऐसे टेस्टी और स्मूथ बनानी है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है इतना तो आपको इस तरीके से बनानी है इसको 5 से 10 मिनट तक। इसको जितना फेटोगे उतना ये क्रीमी बनेगा और उतना फ्लफीनेस इसके अंदर आएगी, और एक इतना ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो इस तरीके से इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से इसको फेटना है। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्रीमी लग रहा है, और इसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल डबल हो चुकी है। मैंने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको फेटा है ऐसे ही, और आप इसको स्टोर करके रख सकते हो कम से कम 1 वीक तक। इसको स्टोर करके रख सकते हो, इसको हॉट कॉफी में यूज कर सकते हो, आप इसको कोल्ड कॉफी में यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोल्ड कॉफी को कैसे रेडी करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चॉकलेट सिरप, जिसको मैंने डेकोरेट करने के लिए यूज किया है ग्लास को। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं है तो बिल्कुल नहीं मत करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ऐड किया है कॉफी का पेस्ट जो मैंने बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी मिल्क। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पेस्ट मिल्क ऐड करने के बाद इसके ऊपर डाला है, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब देख सकते हो कि हमारी कॉफी का टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और मैंने इसको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाया है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है और काफी टेस्टी भी है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, और उसके ऊपर मैं डालू चॉकलेट सिरप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते। अगर आपको इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम वगैरह डालनी है तो आप उसको डाल के भी खा सकते हो, कुछ चॉकलेट डालनी है, कोई बिस्किट वगैरह डालना है ओरियो, तो आप कुछ भी डाल के इसके अंदर पी सकते हो इसको। तो हमारी कॉफी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसको एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे को कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।